हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने आज जीव विज्ञान की शाखा में पढ़ने जाते हैं। जीव विज्ञान की शाखा कौन सी होती है? जिसमें जीव का अध्ययन किया जाए, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाए। तो आप एक चैप्टर लेते हैं 5, इसको आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड नंबर 9 में जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में अपने को आज सिखाना है मुझे। तो मैं इसको प्रस्तावना से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का मतलब क्या होता है, एक पेड़ की छाल है, उसको लिया उसने। कॉर्क का मीनिंग क्या होता है मेरे साइड में लिखा, आप देख सकते हो, वृक्ष की छाल की पतली काट को, मतलब उसको पतला ऊपर से छील लिया, मतलब पूरा तना का जो भी छाल है वो आपको मोटी नहीं लेनी है बल्कि एक पतली परत लेनी है, लिखी गई है। खुद स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, यानी खुद का उसने बनाया था एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसको देखा। मैं आपको इधर दिखा सकता हूं, आपको ये लिखा हुआ देख सकते हो। देखो यहां पर आप देखोगे इस तरह का उसने बनाया था, रॉबर्ट हुक का स्वयं निर्मित 1665 का सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इस तरह का सादा और सिंपल था। इसकी मदद से उसने प्रयोग किया था, तो उसे क्या दिखाई दिया मैं आपको बताता हूं। तो ये अभी जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, ये आपका आधुनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि आप प्याज की कोश का पत्तों को उसका इसमें प्रयोग करके उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में समझ सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो देख सकते हो। देखो अब इसके बाद है कि उसको दिखाई क्या दिया इसमें, ये जो मैंने आपको ये दिखाया सूक्ष्म से, इसका क्या किया उसने, उसने ये किया कि उसको देखने में क्या दिखाई दिया था, यह मधुमक्खी के छत जैसी थी। मधुमक्खी का छत देखा, जहां पे मधुमक्खियां रहती है उसका घर होता है, उसके अंदर जो मधु, उस आकार का उसको दिखाई दिया। आप देख सकते हो इधर पे इस तरह से उसे दिखाई दिया था। अब यहां पर देखो जिसमें छोटे छोटे कोष्ठ थे, छोटे छोटे, देखो आप देख सकते हो छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दे रहे व्हाइट व्हाइट कलर के अंदर, ये कोष्ठ कहलाते। अब मैं आपको साइड में एक पिक्चर दिखाता हूं, उसमें आप देख सकते हो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति किस तरह आप देख सकते हो, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र रॉबर्ट हुक ने कौन सा प्रयोग किया, तो भी आप साइड में देख सकते हो बराबर। तो इसको आप आगे आप लेंगे, अब इसमें दिखाई क्या दिया उसको, वो भी आपको बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि इसको कोशिका दिखाई दी, ये सब कोशिका है, देखो छोटी छोटी कोशिका को सेल भी कहा जाता है इंग्लिश में, इसे छोटा कमरा कहते हैं, उसने उसका नाम दिया रॉबर्ट हुक ने छोटा कमरा। अब देखो इससे क्या हुआ, उसने एक बात बताई जो अपने को ध्यान में रखनी है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जीव का मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ जीव का मीनिंग क्या होता है, देख सकते हो। जीव का मतलब यानी अपने और आप लोग जीव हैं, जानते हो, मनुष्य, पेड़ पौधे, छोटी चींटी, ये सब भी क्या जीव कहलाते हैं। तो जीव का मतलब मौलिक इकाई क्यों कहा गया, जीव को कोशिकाओं को मतलब जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा, क्योंकि मनुष्य कोशिकाओं के द्वारा श्वसन करता है, भोजन लेता है, हलन चलन करता है बराबर है, और हर कार्य करता है। तो इसीलिए कोशिका द्वारा ही हर कार्य होता है। कोशिका अपने शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, मगज में अलग कोशिका होती है, स्नायु कोशिका अलग होती है, और पाचन तंत्र की कोशिका अलग, सब कोशिका अलग, सबका संकलन होके, सबका क्या होके, संकलन होके आपको क्या है, पूरा शरीर का आपका काम होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका ही अपने शरीर को चलाती है, इसीलिए अपने जीवन को चलाती है, इसलिए अपनी इकाई है। इकाई मतलब एक कोशिका तो एक ही होती है, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है, इसलिए उसे इकाई कोशिका भी कहा जाता है। अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक का नाम है पादप कोशिकाएं। इसे पादप को पेड़ और पौधे भी कहा जाता है, लेकिन अपना जो भाषा है ना बुक में, उसमें पादप लिखा गया है, आपको सिंपल भाषा में इसे पेड़ पौधे कहेंगे, यानी समझेंगे, लिखना आपको पादप ही है, लेकिन पादप का मीनिंग सिंपल भाषा होती है पेड़ और पौधे, वो आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर दो मैंने प्रयोग किए हैं इसमें, वो आपको भी बताता हूँ। एक तो प्याज की झिल्ली,
के ऊपर प्रयोग किया है। तो आप इसमें प्रयोग कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले प्याज की एक परत लेंगे, परत को क्या करेंगे, एक स्लाइड आती है इस तरह से वर्गाकार, उस कांच की आती है, उसके ऊपर आप प्याज की झिल्ली रखोगे और प्याज की झिल्ली रख के उसके ऊपर अभिरंजक डालोगे। अभिरंजक कौन सा होता है, आयोडीन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। फिर उसको क्या करोगे, उसमें कवर स्लिप रखोगे। कवर स्लिप रखने से क्या होगा कि उसमें कोई हवा ना चली जाए, हवा जाएगी तो आपको सही से उसकी कोशिकाएं दिखाई नहीं देगी। तो आपको उसको कवर स्लिप रख देना है और फिर उसको क्या करना है, इस तरह से इधर पे रख देना है, इसमें फंसा देना है। फिर फंसाने के बाद क्या करोगे आप, ये माइक्रोस्कोप में क्या होता है आप देख सकते हो, इधर दो एक नलाकार होता है, उसमें ऊपर भी लेंस लगा होता है, नीचे भी लेंस लगा होता है। इधर लगा लेंस देखो। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरह से देखते हुए और इसको आगे पीछे करूँगा तो मुझे उसमें कुछ झिल्लियाँ दिखाई देंगी प्याज की। वो कैसे दिखाएंगी मैंने आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो किस तरह दिखाई देंगे, देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से बहुत सारे आपको कोष्ठक दिखाई देंगे, इस तरह से छेद यदि कोष्ठक इस तरह दिख रहे हैं, उनका कोष्ठक दिखाई देंगे। तो ये आपकी कोशिका है, इनको क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। अब इसके अंदर जो पाया जाता है इसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक। केंद्रक का इंग्लिश नाम होता है न्यूक्लियस। इसमें आपको जो मैंने लाल कलर के जो बिंदु पाड़े हैं वो आपको क्या कहेंगे, उसे केंद्र कहा जाएगा। यह एक कोशिका है, प्याज की झिल्ली है, सॉरी प्याज की झिल्ली है, उसके अंदर कोशिकाएं दिखाई दे रही। तो आप देखो कोशिकाएं, ये जो बहुत सारी कोशिकाएं बने कोशिकाएं, कोशिकाएं आप देख सकते हो इस तरह से आपको कोष्ठ आकार की दिखाई देगी। अब इसमें देखो यहां पर जो लाल कलर के जो बिंदु मैंने बनाए हैं इसमें उसको क्या कहेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस कहेंगे, उसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। अब देखो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसमें कुछ द्रव भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। उस द्रव का नाम क्या होगा मैं आपको लिखता हूं। द्रव मतलब इस तरह से प्रवाही होता है, क्योंकि कोशिकाओं को देखोगे तो आप उसे काटोगे तो उसमें से आपको प्रवाही निकलेगा, द्रव निकलेगा आप अधिकतर देखो। लेकिन जीवंत कोशिका होना चाहिए, जीवंत कोशिका यानी पेड़ से कोई डाली या प्याज भी ले लो आप जीवंत कोशिका, उसको आप काटोगे तो उसमें से आपको क्या निकलेगा, द्रव यानी चिकनापन प्रवाही निकलेगा। तो उसे क्या कहेंगे मैं वो लिखता हूं आपको। इसके अंदर जो भरा हुआ इस तरह से ये सब, इसका नाम है आपका कोशिका द्रव्य। इसका नाम क्या है, कोशिका द्रव्य। इसका क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। तो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव भरा है। फिर एक दूसरा अपने वृक्ष की पत्ती भी लेते हैं, उसको कैसे देखना है, वृक्ष की पत्ती देखो इस तरह से आपकी इसमें आपको दिखी गई है कोशिका, इसकी दिखी गई है। अब इसमें कोशिका देखो थोड़ी लंबी होती है, दिखती इसी तरह लेकिन इसकी थोड़ी छोटी होती है, इसकी थोड़ी लंबी होती है। तो इधर पे जो ये बिंदु पड़ा है ना इसका भी नाम वही रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, ये रहेगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहेंगे इसे। दोनों का नाम वही है, जो इसके अंदर आपको जो इसके अंदर जो प्रयोग में केंद्र में जो बिल्कुल जो गाढ़े रंग का एक बिंदु दिखाई देगा, काला बिंदु, क्या दिखाई देगा, बिंदु दिखाई देगा, वही बिंदु को क्या कहेंगे आप, केंद्र या न्यूक्लियस कहेंगे। फिर इसके अंदर इस तरह से भाग दिखाई देंगे अलग अलग, तो इसे कहेंगे कोशिका है, ये भी आपकी कोशिका दिखाई दे रही है। इसके अंदर भी द्रव भरा होता है, इसके अंदर भी क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। इस द्रव का नाम भी क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। तो आप ये देख सकते हैं दोनों को, ये जो अंदर का जो ये बिंदु है काला बिंदु इसे आप क्या कहेंगे, कोशिका केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका केंद्र। अपने चाहे तो इधर कोशिका केंद्र लिख सकते हो और अच्छा रहेगा, कोशिका केंद्र, कोशिका का केंद्र, इसलिए कोशिका केंद्र कहेंगे। तो आप कोशिका केंद्र, इधर भी कोशिका केंद्र, इसमें भी कोशिका केंद्र आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर जो कोशिकाएं बनी हुई है उसमें द्रव भरा हुआ है। देखो द्रव यानी देखो आपको मैंने बताया कि ये आपको इस प्रयोग में दिख सकता है, देख सकते हो इसमें आपको कोशिका द्रव दिखाया जाएगा, जिसे कोशिका द्रव कहा जाएगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखें, प्याज की झिल्ली और ब्रश की जो पत्तियां है उसका इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अपने अभी पेड़ पौधे की कोशिकाओं के बारे में सीखे, कोशिकाओं में क्या आपने को दिखाई दिया था, मैंने आपको आकृति बनाई थी इसमें, उसके अंदर आपको प्याज की कोश झिल्ली और पेड़ पौधों की मैंने कोशिकाओं के बारे में आपको बताया था, दिखाया था। तो उसमें आपने क्या देखा था कि उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई हैं, तो छोटे छोटे जो कोष्ठक थे उन्हें कोशिका कहा, कोष्ठक जो छोटे छोटे थे उसे अपने ने क्या कहा, कोशिका कहा। उसके अंदर जो काला कलर का जो बिंदु मैंने दिखाया था उसे मैंने कोशिका केंद्र यानी न्यूक्लियस कहा, बराबर। उसके अंदर जो द्रव भरा उसे कोशिका केंद्र कहा। लेकिन अब मैंने पेड़ पौधे के बारे में अपने जंतु की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
यहाँ पर जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो जंतु में कौन कौन आ जाते हैं? मानव आ जाते, मैं आ जाता, आप आ जाते, जंतु में मैं भी आ जाता हूँ, आप भी, सभी लोग मानव आ जाते जो है। उसके बाद हाथी, हाथी भी उसमें आ जाएगा प्राणियों में। चींटी, छोटी छोटी चींटी भी प्राणी में आ जाएगी। यहाँ पर फिर मछली आदि वगैरह बहुत सारी आ जाएगी। तो मैं आपको इधर पे कुछ चार्ट दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोशिकाएं, जंतुओं में कोशिका के प्रकार कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखो इसमें लिखा गया जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं है, जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैंने आपको आकृति बनाई है जो गोलाकार है, यानी सॉरी अंडाकार है। इसे अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु। अंडाणु किसको क्या कहते हैं? मादा जनन कोष, जो मादाओं के गर्भाशय में जो अंडकोष होता है उसमें से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो आपने मानव में मादा जनन कोष को देखा, उसके बाद अपने स्नायु पेशी, स्नायु पेशी आप देख सकते हो इस तरह से एक के ऊपर एक पेशियां लगी हुई है। उसके स्नायु पेशी में जो पेशियां होती है उसे पेशी कोशिका कहा जाता है। वो हमेशा अपने स्नायु, जो हाथ के स्नायु हुए, पैर के स्नायु हुए, या शरीर के जो भी स्नायु हुए, वो स्नायु आपके शरीर में होते हैं। तो अब इसके बाद आएगा सबसे बड़ा तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ा तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं आती है। तो आप देख सकते हो कि इसका कार्य क्या, मैं आपको बता दूं, आपके जो त्वचा होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगर आपको कहीं भी कुछ चोट लगती है, आपको पता नहीं रहता, तो आपको तुरंत उस जगह को आपने हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो संवेदनाएं उत्पन्न करती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती है। वो सब किससे जुड़ी होती है? अपने रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी अपने मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो मस्तिष्क तुरंत ही अपने को क्या बोलती है? सूचना मिल जाती है, जिससे अपने तुरंत उसको जगह से अपने हाथ या किसी भी अंग को हटा लेते हैं। तो इस तरह तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा तंत्र कहा गया है। उसके बाद अपना आएगा नर जनन कोष। नर जनन कोष में शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु की आकृति आप देख सकते हो इस तरह से लंबी होती है। ये स्पर्म में पाए जाते हैं शुक्राणु। तो ये शुक्राणु कहाँ पे उत्पन्न होते? शुक्र कोष में उत्पन्न होते। इसके लिए आप व्यवस्थित आप 10th में इसको सीखोगे, 10th में इसमें व्यवस्थित दिया गया है, आप इसका अभ्यास करोगे, इसलिए आप इसे भी समझ लो, जिससे आपको 10th में ये जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं रक्त में पाई जाती है। रक्त तो मालूम ही है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, तो उसकी आकृति आपको दी गई। हीमोग्लोबिन इस तरह से जो पोलो चॉकलेट आती है, पोलो चॉकलेट उस तरह से बनी होती है। और यहाँ पर दूसरी भी आपकी रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं को बताया गया। उसके बाद आती है अस्थि यानी हड्डी तंत्र। हड्डी तंत्र के अंदर अस्थि कोशिकाएं पाई जाती है। जो आपकी हड्डियां बनी होती है उसमें हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो हड्डियों को क्या बोलते हैं? अस्थि कोशिका से जुड़ी होती है। उस पूरे तंत्र को आप अस्थि हड्डी तंत्र कहा जाता है। इसके बाद आपकी चर्बी, चर्बी यानी वसा। तो चर्बी यानी वसा होता है, वो इसका आकृति इस तरह दिखाई गई है। अब जो वसा होती है, आपके जो चर्बी होती है, वो आपके सभी स्नायु और हड्डियों के बीच में होती है। इस प्रकार से आप इस जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हो। तो आप ये देख सकते हो, पहले मादा जनन कोष में अंडाणु पाया जाता है, स्नायु पेशी में पेशिका कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, नर जनन कोष में शुक्राणु आ जाता है, रक्त में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, अस्थि हड्डी तंत्र में अस्थि कोशिका पाई जाती है, और चर्बी में वसा कोशिका पाई। इस तरह से आपने इस तरह जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाओं को देखा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।